हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग वीडियो क्लास देख रहे हैं, उसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में अभी हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखा हुआ है। आज की क्लास में उसके आगे का जो भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों, ये वे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, सभी हमारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर आए हुए हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि मोबाइल को 13U2O12I और गैजेट को 7E47I20 लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में आईफोन शब्द को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। मोबाइल को लिखा जा रहा है 13, इसको लिखा जा रहा है यू, और इसको 2 12, आई को 12, नहीं सॉरी, आई को 12 नहीं, आई को लिखा जा रहा है, आई को लिखा जा रहा है ओ, एल को लिखा जा रहा है 12, और आई को लिखा जा रहा है ई। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है उसको पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा है। अब देखिए, इसकी हम लोग पहले वैल्यू जान लेते हैं। एम की होती है 13, ओ की 15, बी की 2, आई की होगी 9, एल की होगी 12, और ई की होती है 5। अब देखिए यहाँ पर सेम क्या है, देखिए इसमें तो यहाँ पे सेम कर दिया है, मतलब कि कॉन्सोनेंट को सेम किया है, वॉवेस ए ई ओ आई यू, ई का हो गया ई आई, ठीक है, ए ई ओ आई यू, ओ का यू कर दिया है, बी का 2 किया है, और आई को ओ, आई का ओ कर दिया, ठीक है, एल का किया है 12, और ई का कर दिया है आई। गैजेट को भी देख लेते हैं, गैजेट में क्या क्या किया गया है। इसमें देखिए नेक्स्ट आपका आप वॉवेल क्या है चेंज किया है, लेकिन यहां पर देखिए लेकिन नहीं किया है, ओ है, ओ का ए ई आई ओ यू, नहीं सही है। देखिए जो है हमारा जो भी वॉवेल्स दिया हुआ है उसका अगला जो वॉवेल्स होता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि कॉन्सोनेंट में उसकी वैल्यू को प्रेजेंट किया गया। देखिए ओ का हो जाएगा यू, बी की वैल्यू क्या है 2 है, आई का देखिए क्या होगा हमारा नेक्स्ट हो जाएगा वॉवेल्स ओ हो जाएगा, एल का 12 है, और ई का आई। अब उसी तरह गैजेट में भी होगा, गैजेट का हो जाएगा 7, ए का ई 4 7, आई और 20। देखिए इसमें भी सेम वही किया गया, जी की वैल्यू क्या है, जी का 7 होगा, ए हमारा वॉवेल है, वॉवेल का अगला वॉवेल क्या होगा, ए का हो जाएगा ई, डी का 4 है, जी का 7 है, ई का आई, ई का देखिए अगला वॉवेल क्या होगा, आई हो जाएगा, और टी की हो जाएगी 20। इसका मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो कॉन्सोनेंट होगा उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, और वॉवेल अगर आ रहा तो वॉवेल का अगला जो वॉवेल होगा उसको प्रेजेंट करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आईफोन को। अब आई लिखा है, आई हमारा क्या है वॉवेल है, तो आई का अगला वॉवेल क्या होगा हमारा ओ हो जाएगा, पी का हो जाएगा हमारा 16 क्योंकि हमारा कॉन्सोनेंट है, एच का होगा 8, ओ का हो जाएगा यू, ओ का क्या होगा यू, एन का होता है 14, और ई का हमारा हो जाएगा आई। तो हमारा यही बनना है सीरीज, तो हो जाएगा ओ 16 8 U 14 I, इस ऑप्शन में है ओ 16, ओ 16 8 15, ओ 16 8 U 14 I, हमारा ऑप्शन सी दोस्तों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कूट भाषा में हैमर को लिखा जाता है 8H66$ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट को 7 ampersand sign, 5 1*ampersand sign 2 1 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो नीचे दिए गए शब्द के सही कूट कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो मर्सी, मर्सी का क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं, हैमर, हैमर का लिखा जा रहा है 8H66$, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट का 7 ampersand sign
5-1 स्टार एम पर्सन साइन 2-1 मर्सी का पूछा हुआ है। एम का वैल्यू क्या होगी 6, ई की क्या है, ई की हो जाएगी डॉलर, आर की हो जाएगी स्टार, सी तो सी हमारा ये है, सी की वैल्यू है 2 और आई की वैल्यू है हमारी एम पर्सन साइन। इसका आंसर हो जाएगा $6 * 2 m%, $6 * 2 m%। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सफेद को नीला, सफेद को क्या कहा जा रहा है, नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव खून का रंग क्या होगा। अब पहले हम लोगों को मालूम होगा मानव खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, ये तो सबको मालूम होगा। अब आगे कंडीशन में क्या कहा है, नीले को लाल कहा जाता है जबकि लाल को क्या कहा जाता है, पीला, तो मानव खून का रंग कैसा होगा, पीला होगा, येलो होगा, ठीक है। इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। वैसे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना जाकर के हम नॉर्मल जानेंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कहां है, मुंबई में है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, लेकिन कंडीशन में क्या कहा है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है, तो देहरादून में, देहरादून हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर और 175 का अर्थ है ब्रिक्स मेक्स टावर और 327 का अर्थ है ब्रिक एंड स्टील, तब एंड का कोड खोजे, एंड का कोड क्या होगा उसको चलिए देखेंगे। 512 को लिख रहे हैं स्टील मेक्स टावर, 175 को ब्रिक मेक्स टावर, 327 को ब्रिक एंड स्टील। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एंड, एंड का खोज ढूंढना है, एंड देखिए कहां पर है, तो एंड एकमात्र हमारा यहां पर है, इसका मतलब उसका आंसर 3, 2 या 7, तीन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अब उसको पहले जानेंगे कहां पर है। देखिए स्टील हमारा कहाँ कॉमन हो रहा है, स्टील यहां पर भी है और स्टील यहां पर भी है, इसका मतलब इसमें जो नंबर सिर्फ स्टील कॉमन हो रहा है, जो नंबर कॉमन होगा वही नंबर स्टील का हो जाएगा। अब देखिए 512 यहां पर है, 327 यहां पे, तो यहां पे दो जो कॉमन हो रहा है तो स्टील का कोड हो जाएगा 2। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं ब्रिक, ब्रिक यहां पर भी है और ब्रिक यहां पर भी है, अब ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन हो रहा है, 175 और 327, तो ब्रिक का हो जाएगा ब्रिक 175, 1 नहीं हो रहा 7, इसमें क्या हो जाएगा ब्रिक का 7। अब देखिए हमें इसका भी मालूम हो गया और इसका भी मालूम हो गया, स्टील का होगा 2 और ब्रिक का होगा 7, तो एंड का कितना हो जाएगा 3, एंड का 3 यही पूछा था, हमारा ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ और 217 का अर्थ है क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ और सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करें, सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करना है, चलिए उसको देखेंगे सॉफ्ट का कूट क्या होगा। पहला है 817 का लिखेंगे कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 को लिखेंगे थ्रेड मेक्स क्लॉथ, 213 को लिखेंगे
सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। अब सॉफ्ट का पूछा, वो सॉफ्ट कहां कहां पर है, सॉफ्ट एकमात्र यहां पर है। इसका आंसर 213 में कोई भी हो सकता है। अब कॉटन देखते हैं, कॉटन कहां का कॉमन है, तो कॉटन देखिए यहां पर लिखा है, कॉटन यहां पर है और कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर कॉटन कॉमन हो रहा है, तो 817 और 213, तो कॉटन का हो जाएगा 1। क्लॉथ का देखेंगे, क्लॉथ देखिए यहां कॉमन हो रहा है और यहां पर कॉमन हो रहा है, तो इसमें 827 और 213 इसमें कॉमन हो जाएगा 2। बचा सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का हो जाएगा 3। यही पूछा था क्वेश्चन, सॉफ्ट का क्या होगा, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ कूट के अकॉर्डिंग है। नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह और उसके बाद अंक प्रतीकों के चार संयोजन ए बी सी तथा डी दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह का सही रूप से निरूपण करता है और उस संयोजन का संख्यांक उत्तर के रूप में दर्शाना है। यदि कोई भी संयोजन अक्षरों के समूह का सही निरूपण नहीं करता है तो उत्तर ई अर्थात इनमें से कोई नहीं दीजिए। अक्षर दिया हुआ डब्ल्यू पी जे क्यू टी आई ए यू एफ डी बी वी एम ई, और इसका कोड दिया हुआ है 5691 2 3 4 कॉपीराइट सी कॉपीराइट 8 और M% स्टार 7 हैज और डॉलर। चलिए अब इसके आगे हम शर्त पढ़ लेते हैं। तो पहली शर्त क्या दी है, पहला अक्षर एक व्यंजन है और चौथा अक्षर एक स्वर है, तो दोनों को स्वर के कोड में जो हमारा वॉवेल होगा उसके कोड में चेंज करना है। ठीक, कब, जब पहला अक्षर और चौथा अक्षर, पहला व्यंजन हो कॉन्सोनेंट है और दूसरा वॉवेल हो, तो वॉवेल में चेंज कर देंगे पहले और चौथे को। दूसरी शर्त है, दूसरा अक्षर एक स्वर और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, तो दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करना है। तीसरा है, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है, तो व्यंजन के दोनों कोड परस्पर बदल जाते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान यही देना है, अगर हमारा जो भी क्वेश्चन है वो शर्त को मान रहा है तो शर्त के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर शर्त के अनुरूप नहीं है तो जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे इसको लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा हुआ पहला ए जे बी एम एफ यू, इसका कोड बताना है। अब इसमें हम पहले शर्त देख लेते हैं, पहला हमारा वॉवेल है और अंतिम भी वॉवेल है। अब इसमें कहीं कहा है पहला वॉवेल नहीं, पहला स्वर अंतिम व्यंजन नहीं कहा है, इसमें पहला अंतिम दोनों व्यंजन दोनों वॉवेल के लिए नहीं कहा, तो सेम वही कोड हम लिख देंगे। ए का हो जाएगा, क्या लिखा है, ए जे बी एम एफ यू, तो ए का कोड होगा हमारा 4, जे का होगा हमारा 9, बी का हो जाएगा स्टार, एम का होगा हैज और एफ एफ का हो जाएगा 8 और यू का हो जाएगा हमारा सी कॉपीराइट। ठीक है, तो 49 स्टार हैज 8 सी, तो हमारा क्या ऑप्शन में 49 स्टार हैज 8 सी, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये तब उस कंडीशन में करना है जब हमारा कोई भी शर्त को ना माने, कोई भी शर्त के अनुसार ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है ए ई आई एम वी एच। अब देखिए पहला हमारा वॉवेल है, अगला कॉन्सोनेंट है, देखिए कौन सी शर्त को मानना है, पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो, दोनों को व्यंजन के कोड में कोड करना है, जो व्यंजन का कोड होगा उसके अनुसार दोनों को चेंज करना है, ये दूसरी शर्त के अनुसार होगा। अब चलिए दोनों को व्यंजन के कोड में करना है, तो H का कोड क्या है, H का हमारा डॉलर होगा। ठीक है, E का सेम ऐसे ही रहेगा, E I M का होगा हैज, V का होगा 7 और H का भी हो जाएगा डॉलर। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन C हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, नहीं डॉलर डॉलर 2 एट द रेट हैज 7 स्टार, M का क्या है, M का हैज है, डॉलर हैज, दोनों को चेंज करना था, दूसरी शब्द को ही मानना है ना, यदि दूसरा अक्षर एक स्वर, दूसरा अक्षर एक स्वर नहीं, तो यहाँ दूसरा अक्षर पहला अक्षर की बात कर, तो ये नहीं होगा, यहाँ दूसरी शब्द को नहीं मानना, ये तो, ये तो हमारा नहीं होगा। आगे कहा है ए ई आई एम वी, नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा, पहला हमारा स्वर है अंतिम वॉवेल है, तो किसी को नहीं मानता है।
पहला अक्षर एक व्यंजन है, नहीं पहला स्वर है, ठीक है, पहला स्वर ही है, ठीक। दूसरा है, दूसरा अक्षर एक स्वर है, दूसरा अक्षर स्वर है, हाँ दूसरा अक्षर देखिए स्वर है, ठीक है। और अंतिम, दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम एक व्यंजन, दोनों का व्यंजन के कोड में लिखना है। अच्छा, AEIMVH, तो ए का सेम रहेगा चार, ई का हो जाएगा हमारा डॉलर, आई का हमारा होगा एट द रेट, एम का होगा हैज, वी का होगा हमारा सेवन और एच का डॉलर। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, चार डॉलर एट द रेट हैज सेवन और डॉलर, तो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी एच ए एफ आई क्यू। अब देखिए दोनों हमारा पहला दोनों क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और चौथा इसमें वॉवल नहीं है, दोनों को शर्त को नहीं मानना है। अब कौन सी शर्त को मानना है, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन, दोनों को कोड परस्पर बदल देते हैं, मतलब दोनों के कोड को क्या करेंगे आपस में एक्सचेंज कर देंगे, टी एच ए एफ आई क्यू। तो क्यू का क्या है वन, एच का क्या है डॉलर, ए का हमारा है फोर, एफ का हो जाएगा एट, आई का है एट द रेट और टी का, आप देखिए इसको एक्सचेंज करेंगे, यहां पर टी का क्या था तीन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वन डॉलर फोर एट एट द रेट थ्री, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू एम ई आई। अब देखिए चौथा अक्षर यहां पर क्या हो गया, वॉवेल हो गया और अंतिम क्या है कॉन्सोनेंट। अब देखिए कौन सी शर्त को ये मान रहे हैं, क्या कहा है, पहला अक्षर एक वजन, पहला और अंतिम नहीं, पहला अक्षर एक व्यंजन है और अंतिम चौथा अक्षर एक स्वर है, पहला व्यंजन और चौथा अक्षर स्वर है, तो दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। पहला व्यंजन और ये पहला और अंतिम, पहला चौथे को अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, डब्ल्यू एम ई आई जे और यू, तो इसके और इसके कोड क्या करेंगे आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे, तो आई का हो जाएगा एट द रेट, एम का होगा हमारा हैज, ई का होगा दो, आई का, अब आई की जगह पे इसको चेंज करेंगे डब्ल्यू का, डब्ल्यू का कोड क्या है हमारा पांच है, डब्ल्यू का कोड पांच हो जाएगा, नहीं दोनों डब्ल्यू का कोड ये ना करके एट द रेट ही होगा ना, उस दोनों का कोड सेम रखा जाएगा, जे का क्या होगा नौ और यू का क्या कोड होगा, यू का होगा सी कॉपीराइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा एट द रेट हैच टू एट द रेट नौ और सी, हमारा ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोनों को क्या करना है, जो भी हमारा वॉवेल है वॉवेल के अकॉर्डिंग दोनों को चेंज कर देना है बस। अगला देखते हैं, एम बी यू वी एफ डब्ल्यू वी। अब देखिए यहां पर पहला हमारा वॉवेल, पहला कॉन्सोनेंट, अंतिम वॉवेल, चौथा की बात कॉन्सोनेंट नहीं है, अब इसको क्या करेंगे सेम ऐसे ही करेंगे क्योंकि कोई कोड, एम का होगा हैज, बी का होगा स्टार, यू का होगा सी और वी का होगा हमारा वी हो जाएगा सेवन, W होगा पांच और E हो जाएगा दो, किस ऑप्शन में है डॉलर स्टार, डॉलर स्टार किसी में नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन E हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी चीज सर्च को मान नहीं रहा, तारीख कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, तो अगला टाइप हमारा है, नीचे दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। अभी क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग नंबर सिस्टम का है इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, दो सात सोलह छियालीस सड़सठ और 92, यहां पर कौन सा नंबर आएगा वही हमें बताना है, दो पांच सात सात छह तेरह, चलो इसको छोड़ते हैं, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा दो, इसको भी देखते हैं कितने अंदर है, पांच दो, ये अंतर कितने का हो रहा है चार का, यहां पर कितने का अंतर हो रहा है एक का, इसका मतलब यहां पर कितने का अंतर करेंगे दो का, पांच छ दो पांच सात सात छह तेरह सात सात और नौ हो जाएगा ना, अंतर कितने का होगा चार का, ठीक, यहां पे कितने का हो रहा है सात में से छह गया एक, यहां पे 21 हो गया,
यहाँ हो जाएगा 12 में से 7 गया 5, 8 में से 2 6 गया 2। चलो यहाँ पे ये हो रहा है, अब चेक चेक करते हैं। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 7 13 8 21। इसका मतलब यहाँ पे अगर कितने का अंतर हो जा रहा है, 9 4 13, 13 4 17, 17 होना चाहिए। तो चलो चलो देखते हैं, 13 ये हो जाएगा हमारा 29, 29 और इसमें कितने का अंतर होगा, 5, 9, 16 माइनस 5, 7, 7, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में कितना था, 46 और ये था 67। देखिए ये अंतर हो गया 21 का, ये अंतर होगा हमारा 17 का। देखिए अंतर कितने का हो रहा है, 4 4 का गैपिंग हो रहा है, 4 4 इसमें भी कितने का, 4 का होगा, इसमें भी 4 का होगा, इसमें भी 4 का। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 4 9 4 13 17 21 25, 9 13 13 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। और यही पूछा था 29 क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस यही करना है कितने का गैप हो रहा है, कितने का मतलब कि उसमें अंतराल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करके और जोड़ देंगे, हमारा आंसर 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 101 123 143 और 173 के बाद अगला नंबर क्या होगा उसको देखेंगे। 101, 123, 147, 173 और अगला नंबर बताना है। 22 का अंतर हो रहा है, इसमें हो रहा है 7 में से 4 जाएगा, 3 गया 4 ये हो जाएगा 2, 22 2 24, 13 में से 7 गया 6 और ये हो जाएगा 6 में से 2, 22 24 26, मतलब यहां पर क्या होगा, 28, 28 इसमें जोड़ देते हैं, 8 3 11, 2 9 1 10 और ये हो जाएगी तो 201 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 8 18 32 क्वेश्चन मार्क, 72 98 128 और 162, इसमें बीच का पद पूछा हुआ है। 2 8 18 32 72 98 128 और 162, इसमें देखते हैं कौन सा पद होता है। 2 6 8, 8 10 18, 18 और हो जाएगा 10 28 4 32। अब आगे यहां पे देखेंगे कितने का हो रहा है, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 2 26। देखिए दोस्तों कितने का अंतर हो रहा है यहां पर, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। अब 50 इसमें कितना हो जाएगा अंतर, 22 का। अब देखिए यहाँ पे अंतर हमारा जो 4 का चल रहा था वो 4 का चलेगा, हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 5 11 23 44, 2 5 11 23 और 44, तो इसमें कितने किया जा रहा, 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 13 2 1 12 और 4 में से 1, 4 में से 2 20, तो 3 3 6 6 6 12 और 12 9 21, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ पर करते हैं 12 और 12 इसमें जोड़ेंगे तो 21 10 31 2 33, 35 को इस पे जोड़ देंगे हो जाएगा 77, 77 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक है 16 से 20 तक के क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कहा है निम्न श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर बताना है कि क्या आएगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन है C 81 E 64 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क 49 I यहां पर भी दिया हुआ है और K। अब देखिए दोस्तों यहां पे हम इसको डायरेक्ट यहीं पे करते हैं, देखिए सी के बाद क्या दिया है, ई डी गैप किया है 1+ करके। अब देखिए ई के बाद एफ अगर गैप करके हम क्या लिखेंगे, जी, एक जी के बाद देखिए क्या है, आई हो जाएगा, आई के बाद के हो जाएगा, यहां पे देखिए ये सीरीज कंप्लीट हो गई। अब ये किसका वर्ग है, 9 का, ये किसका वर्ग है, 8 का, ये किसका वर्ग है, 7 का, तो अगला किसका वर्ग होगा, 6 का, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। आंसर हमारा हो जाएगा 8 G 36, G 36 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 E 8 I 13 N और 19 T। अब देखिए
ई के बाद है आई, आई के बाद है एन, एन के बाद है टी। अब देखिए कितने कितने का अंतर हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो ई की वैल्यू है 5, 5 4 9, तो 4 का यहाँ पे हो रहा है 9, और इसकी है 14, 9 और 6 9 5 14, 9 5 हो गया 14, 14 और इसकी कितनी है 20, 14 6 20, यहाँ पे इसका मतलब हो गया 4 5 6। अगला जो नंबर आएगा वो होगा 7, तो 7 इसमें अगर प्लस करेंगे 20 7 होता है 27, 27 मतलब 26 तक हमारे लेटर होते हैं, तो कितना होगा जेड, और उसके बाद अगला जो 27 क्या होगा वो हमारा हो जाएगा ए, मतलब यहाँ पे ए हमको मालूम हो गया। अब चलिए हम लोग नंबर का डिजिट का हो गया, अल्फाबेट का हो गया, आप लोग डिजिट देख रहे थे, 4 2 8, 8 5 13, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर 6 है, 13 6 19, 4 5 6, तो यहाँ पे कर देते हैं 7, तो 19 7 होता है हमारा 26, 26 ए हमारा ऑप्शन 200 बी करेक्ट हो जाएगा, 26 ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C3 C3 E5 G7 I9, अगला क्या हुआ देखिए, ये C के बाद E किया है, E के बाद G, इसकी वैल्यू होती है 3, इसकी होती है 5, इसकी 7, यहाँ देखो लिखा हुआ है 3 5 7 9, तो 9 के बाद क्या आएगा 11, तो 11 क्या होता है हमारा के 11, हमारा हो जाएगा के 11। अब एक और पूछा हुआ है, के बाद एल एम, एम आएगा और एम का होता है 13, तो हमारा ये सही हो जाएगा के 11 एम 13, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क पूछा है तो दोनों का बताना है, तो हमारा ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है स्मॉल में B3P C6R D12T D12T E24V। अब देखिए स्मॉल को स्मॉल में देखेंगे और कैपिटल को कैपिटल में, देखिए बी के बाद सी डी ई, ई के बाद क्या आता है स्मॉल में एफ, चलो ये कंप्लीट हो गया, 3 दुनी 6 6 दुनी 12 12 दुनी 24 24 दुना 48, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे पी, पी के बाद एक क्यू को स्किप किया गया है, क्यू आर एस टी यू वी, यू वी के बाद एक्स को यू वी, डब्ल्यू को स्किप करेंगे हो जाएगा एक्स, एफ 48 एक्स हमारा आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है एफ 48 एक्स, ऑप्शन ए दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4D3C7G6F10J9I, अब इसकी भी देखो वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है इसकी 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 और इसकी, तो डी के बाद जी है, 4 4 3, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 हो जाएगा हमारा के, 13 एम होता है सॉरी, 13 होगा हमारा एम, और एम के पहले आता है के, एम के पहले आता है एल, एल का होगा 12, तो आंसर हो जाएगा 13। देखिए इसके अकॉर्डिंग किया गया है, 4 3 7 3 10 3 13, 13 का होगा एम, एम के पहले, इसके पहले का अक्षर दिया हुआ है तो एम के पहले आता है 12, 12 का हो जाएगा एल, हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 13 एम 12 एल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करता है, देखिए ए जेड बी, ए जेड बी वाई, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई और ए जेड बी वाई, आंसर क्या हो जाएगा वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए, हमारा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LU, LU के बाद डैश है, फिर ये दिया हुआ है, अब इसको पहले हम देखते हैं क्या होगा, सबसे बड़ा वर्ड हमारा बनेगा PLU BT हो जाएगा, फिर PLUBT PLUBT, ये हमारा क्या हो रहा है UPLUBT, यहाँ पे ये करेंगे पूरा ULUBT, ठीक है, ये हमारा देखिए कॉमन कॉमन होगा, क्या होगा
LUBT यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा UPLUBT, UPLUBT, UPLUBTU। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, BPUL, BPUL हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है एस के बाद डैश है, एनएक्स है, एस एम एन एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, एस यहाँ पर एम हो जाएगा, यहाँ पर एस, ये क्या बनना है, एस एम एन एक्स, एस एम एन एक्स, एस एम एन एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एस एम एन एक्स, एस एम एन एक्स, आंसर हो जाएगा एम एस एस एक्सन, एम एस एस एक्सन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम एस एस एक्सन। अगला है डी सी बी ए, बी सी बी सी ए, सी ए बी और ए बी, ये हो जाएगा बी सी ए, 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 बी सी ए और ये बी सी ए, आंसर हो जाएगा ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ए बी ए क्या है, ए नहीं, यहाँ पे होगा ए बी डी, ए बी ए बी ए, नहीं चलो उसको चेक कर लेते हैं पहले क्या क्या बन रहा है। तो बनेगा ए बी ए बी, यहाँ पे लेकिन चेंज हो जा रहा है, बी ए डी एन, बी ए डी एन ए, हाँ अगर ये बनाते देखिए बनता है, बी ए डी एन ए, बी ए डी एन ए, हाँ देखिए ये बन गया बी ए डी एन ए, बी ए डी एन ए ए होगा, बी ए डी एन ए ए, इसका बनेगा बी ए डी एन ए ए, अगर ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा बी ए डी एन एन ए, बी ए डी एन एन ए, बी ए डी एन 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 ए ए, बी ए डी एन ए ए, आंसर हो जाएगा ए एन ए एन डी, ए एन डी डबल ए, हमारा ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगला टाइप का है, निम्न प्रश्नों में कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है, नहीं आता है पूछा है, अब उसको चलिए देखते हैं, दिया है 9, 15, 24, 34, 51 और 69, 9, 15 ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, नौ छह 15, 15, 9, 24, यहाँ पे अंतर हो जा रहा है 10 का, आगे अंतर हो रहा है 7, ये हो जाएगा 1, 17 का, और यहाँ पर अंतर हो रहा है 8, 1, 18 का। देखिए ये हमारी एक सीरीज नहीं बन रही है, इसमें कोई एक ऐसा नंबर है जो गलत है, उसकी वजह से पूरी सीरीज गड़बड़ा जा रही है, देखते हैं कौन सा नंबर गलत हो रहा है। यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, अगर 24, 12 करेंगे तो होगा 36। अब देखिए 36, 51 है, 36, 15, अब देखिए आगे सीरीज हमारी सही बन जाएगी, 36, 15, 51 हो जाएगा, 51, 18 हमारा हो जाएगा 69, तो हमारा यही वाला गलत लिखा है, 34 जो है ये गलत है, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, यही हमारा दोस्तों करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 19, 28, 39, 52, 67, 84 और 102, 19, देखते हैं 19, 9, इसमें अंतर हो रहा है 1 और 1, 11, 13, इसमें होगा 7, 5, 6 में से 1 गया 15, ये हो जाएगा 84, 7 और 1, 17, यहाँ होगा 12 में से 7 गया 5 और 9 में से 1 गया 8। अब देखिए सीरीज हमारी सही बन रही कि नहीं, 9, 11, 13, 15, 17, उसके बाद होना चाहिए 19, जबकि ये क्या होगा 17 गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे अगर 19 आता तो सीरीज सही होती तो हमारा यही क्या होगा 102 ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 102, 101, 98, 93, 86, 74, 66 और 53, इसमें कौन सा नंबर गलत लिखा है, उसको चलिए चेक करेंगे,
66 और 53। देखिए इसमें अंतर हो रहा है -1 का, -3, -5, और ये हो जाएगा -7, 6 6 12, -12, ये एंगल बढ़ हो गया। यहाँ पे होगा 7 में 14 17, 14 में 6 गया 8, ये -8 हो रहा है। अब देखिए सही हो रहा है, 64 74 84 86। ठीक, अगला सीरीज देखें क्या बन रही है। अगला सीरीज है 6 में 3 गया 3 1 13। देखिए सही सीरीज बन रही है, 1 3 5 7 12 8 13। देखिए यहाँ पे सीरीज गड़बड़ आ गई, कौन वाले में, इसमें यही गड़बड़ आ गई। अगर यहाँ पे 9 होता तो सही आता, अगर -9 तो 86 -9 होगा हमारा 77। अगर 77 होता तो सही हो जाता, तो हमारा ये 74 वाला जो है ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, यही क्या है गलत है। अगला देखेंगे 2 3 8 62 और 3968। चल इसको देखेंगे कौन सा गड़बड़ है। देखिए इसमें चेक करते हैं इसमें कितने का अंतर हो रहा है। अगर हम इसका 2 का स्क्वायर -2 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 के बराबर, 2 दूनी 4 -1। अब इसको करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 -1 8 हो गया। उसके बाद है 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर होगा 4 चौका 2 3। यहाँ पे क्या है 62। देखिए इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, और इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 3 8, 2 3 के बाद 8 है, इसको करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 -3 6 का करेंगे 8 का करेंगे, अच्छा 8 का स्क्वायर करते हैं संख्या का, तो 8 8 64, 64 -1 होगा हमारा 63। इसी तरह से अगर 62 का वर्ग करेंगे -1 करेंगे, 62 का वर्ग कितना आता है, 2 2 4 12 12 24 24 के 4, 2 6 2 36 36 2 38, 38 44 -2। देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यही पर हमारा देखिए मिस्टेक हो रहा है, यही 62 वाला जो है, अगर इसमें 63 होता तो हमारा सही हो जाता। अब चेक कर लेते हैं कैसे किया गया है। संख्या है इसका क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं -1, 2 का वर्ग 4, 4 -1 आ गया 3, 3 का वर्ग होता है 9, 9 - 1 होता है 8, 8 का वर्ग होगा 64, 64 - 1 होगा हमारा 63, जबकि यहाँ पे 62 दिया है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, 62 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।